हेलो, गुड इवनिंग। 25 मार्च 2023 शाम 4 बजे डेली जीके क्विज लेकर एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का हमारे चैनल हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फसल ऋण के लिए बैंक को दिया जाने वाला ब्याज क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अ फैक्टर पेमेंट। करेक्ट आंसर है सी, फैक्टर पेमेंट। आर्थिक विकास को संदर्भित क्या करता है? तो करेक्ट आंसर है डी, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है आंसर, करेक्ट है ए, इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस। ये गलत है। प्रत्यक्ष करों के मामले में भुगतान देयता और कर का अंतिम बोझ क्या होता है? तो ये है द पर्सन ऑन होम इट हैज़ बीन इम्पोज्ड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अधिशेष मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है कैपिटलिज्म। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार प्रदान करता है? तो ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। विधानमंडल का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो ये है इनएक्टिंग लॉज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो ये है श्रावण बेल गोला। एक फर्म द्वारा नियोजित श्रम बल के केवल एक हिस्से को किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जा सकता है। फर्म द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी और वेतन पर विचार किया जाना चाहिए, अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये है प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैसा लगा आपको 25 मार्च 2023 का छोटा सा ये सेशन? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी, मंडे को होगी, कल संडे है। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इन्जॉय करें, संडे मनाएं, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।